स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साउथ ब्लॉक डिजिटल पर और मैं आपके साथ रूपाली। इस दौरान जहां हम खड़े हैं ये वीडियोकॉन टावर जो है जो कि झंडेवाला में स्थित है। आपको बता दें वीडियोकॉन टावर के पीछे जहां आप देख रहे हैं कि यहां पर से हमें काफी कंप्लेंट्स आई थी। ये सामने आया था कि यहां पर जो है अवैध पार्किंग की जा रही है और लगातार यहां पे जो भी पर्ची काटी जाती है उसकी कोई ऑफिशियल रिसिप्ट जो है वो भी नहीं दी जाती और इस तरीके से सामने आया था कि यहां पे जो कार पार्किंग कराई जा रही है वो अवैध है। आपको दिखाते हैं जहां तक आप देखेंगे यहां से आपको दिखेगा कि किस तरह मेरे पीछे सारी कार जो है वो पार्क हो रखी है और ये सारी की सारी अवैध है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आप देखेंगे कि किस तरह से जो है यहां पर कार पार्किंग की जा रही है, पैसा लिया जा रहा है लेकिन ऑफिशियल रिसिप्ट जो है वो यहां पर नहीं दी जा रही है। आपको बताते वीडियोकॉन टावर के साथ बताया जा रहा है कि इसका कनेक्शन कुछ वैसे करके जो कंप्लेंट्स हमारे पास सामने आई है और साथ ही ये कहा गया है कि यहां पर बिना भी किसी रिसिप्ट के पैसे काटे जा रहे हैं और साफ तौर पर अवैध पार्किंग जो है वो कराई जा रही है। आप विजुअल देखेंगे सारे किस तरह जो है मेरे पीछे यहां से सारी कार्स खड़ी और यहां से लेकर के जो है पूरा पीछे तक ये पूरा एक सर्कल टाइप बना हुआ है जहां पर पूरी तरीके से जो है कार अवैध पार्किंग में लगाई गई है। तो इस दौरान हमारे को एक व्यक्ति जो है वो मिले हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर उन्होंने अपनी कार पार्किंग, आपने यहाँ पे अपनी कार पार्क की? हाँ जी, मैंने अपनी कार पार्क कर ली। पेमेंट की है? हाँ कर दी। कितनी पेमेंट की? मुझसे 100 रुपीज लिया, 50 रुपीज बोला है फॉर द जितने टाइम के लिए भी आप रखना चाहो रख सकते हो, तो मैंने 100 रुपीज दे दिया, वो मेरे को चेंज देंगे। कोई रिसीट दिया? कोई रिसीट नहीं दिया। कोई रिसीट नहीं दी गई है। और यहाँ पर अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, कोई भी वैसे हैपनिंग हो जाती है, तो उसके जिम्मेवार कौन होगा? आई थिंक अब जब रिसीप्ट नहीं मिली है तो फिर हम ही होंगे और कौन होगा, क्योंकि वो तो हाथ खड़ा कर देंगे। आपने रिसीप्ट नहीं दी है, इसका सवाल भी नहीं उठाया। मैंने कहा कि कहते हम रिसीप्ट नहीं देते, आप रख सकते हो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने रिसीट देने से पूरी तरह मना कर दिया। जवाब आपने देखा किस तरीके से रिसीट देने से साफ इनकार कर दिया गया है। उन्होंने रिसीट मांगी, एक जिम्मेवार नागरिक होने के बाद रिसीट मांगी गई है लेकिन उनको रिसीट नहीं दी गई है और ये हवाला दिया गया कि यहाँ पे कार आपकी सेफ है, लेकिन इसका जिम्मेवार कौन है अगर कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, क्योंकि रिसीट तो यहाँ पर दी नहीं जा रही है। कंप्लेंट्स हमारे पास बहुत सारी दर्ज कराई गई थी जिसके बाद हमने यहाँ पहुंचकर यहाँ पे लोगों से बात करी। आपको बता दें कि वो बातचीत जो हमने आपसे इनसे करी है, आप मेरे पीछे जो व्यक्ति देख रहे हैं इन्होंने हमसे बात करी है, लेकिन उस दौरान ये बहुत सारी बातें कैमरे पे आने से डर रहे हैं, बताने से डर रहे हैं। साफ तौर पर यही कहना है कि यहाँ पर पार्किंग लगाई जाती है और कार्स को पार्क करवाया जाता है और अवैध तरीके से कराया जाता है, पैसे तो ले लिए जाते हैं, 50 रुपये ले लिए जाते हैं और जिसके बाद जो है यहाँ पर उनको रिसिप्ट नहीं दी जाती है। खुद इस व्यक्ति ने हमारे सामने एक्सेप्ट किया है लेकिन कैमरे पे आने से डर रहा है क्योंकि उसका साफ तौर पर कहना है कि अगर वो कैमरे पे आ गया तो नौकरी खतरे में आ सकती है। आपको हम बता दें किस तरह से यहाँ पे सारी पार्किंग की गई है, ये सब अवैध की गई है और इसका सबूत अभी हमने खुद इनसे सुना है जिन्होंने हमें यही बताया है कि यहाँ पर जो है पैसे ले लिए जाते हैं लेकिन रिसिप्ट नहीं दी जाती है। गाड़ियां आप हमारे पीछे सारी देख रहे हैं, ये सब जो है अवैध तरीके से यहाँ पर पार्क की गई है। साथ ही आपको ये बता दें कि सूत्रों के वाले से ये हमें खबर सामने आई है कि पहाड़गंज सब इंस्पेक्टर जो है वो इसके पीछे शामिल है। ये सारी खबरें जो है लोगों ने क्यास लगाया गया है और साथ ही ये बताया गया है कि इनके पीछे कौन शामिल है और कौन मिलकर के जो है ये सारी अवैध पार्किंग का काम चलवा रहा है। आप मेरे पीछे गाड़ियां देखेंगे, ये सब यहाँ पर अवैध तरीके से चलाई जा रही है, हर तरीके से जो है यहाँ पर लोगों को पैसे लिए जाते हैं लोगों से लेकिन जो है रिसिप्ट उन्हें नहीं दी जाती है और उसके बाद जो है ये पार्किंग यहाँ पे कराई जा रही है, लेकिन जिम्मेवार इसका कौन होगा ये कोई नहीं बता पा रहा है कि अगर ये गाड़ियों को कुछ हो जाता है या कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो इन सबका जिम्मेवार कौन होगा, क्योंकि ऑफिशियल रिसिप्ट जो है वो अवेलेबल नहीं कराई जा रही है, प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है और सिर्फ पैसे लिए जा रहे हैं लोगों से लेकिन कोई भी ऑफिशियल रिसिप्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही है। लोगों की ओर से कंप्लेन काफी दर्ज कराई गई है लेकिन बोलने के लिए कैमरे पर कोई भी रेडी नहीं है, क्योंकि सबको ये डर है कि अगर वो सामने आ जाते हैं कैमरे के और जो उनकी शिकायतें अगर वो सामने ला के रख देते हैं तो डेफिनेटली उनकी जो नौकरी है वो जा सकती है। आपको बता दें किस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी पार्किंग जो है वो हो रखी है, अवैध तरीके से जो है यहाँ पे पार्क किया जा रही है गाड़ियाँ, कोई भी रिसिप्ट नहीं दी जाती है और यहाँ पर आपको गाड़ी पार्क करा दी जाती है, लेकिन फर्ज ये बनता है, लेकिन अगर सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पर कोई आप लोग ही अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क करते हैं और आप लोग से पैसे भी ले जा रहे हैं
लेकिन अगर कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो आप हमें बताइए कि इसका जिम्मेवार कौन होगा, क्योंकि रिसिप्ट तो यहाँ पर कोई दी नहीं जा रही है, किसी भी तरीके से ऑफिशियल जो है वो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इस तरीके से जो है यहाँ पर पार्किंग कराई जा रही है, पैसे लिए जा रहे हैं लेकिन रिसिप्ट नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो इसकी जिम्मेवार कोई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, क्योंकि आप लोग अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर आ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल रिसिप्ट ना होने की वजह से आप खुद अपनी ही जो है कुछ भी अगर कुछ हो जाता है ऐसा, तो उसके खुद जिम्मेवार आप ही होंगे, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या कुछ भी ऐसा हो जाता है, उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, इसलिए आपको अपनी आवाज खुद उठानी होगी और आकर कैमरे पर आकर इस तरीके की बातों को कबूलना होगा। आप देख रहे थे टीम साउथ ब्लॉक की ओर से ये रिपोर्ट, मैं आपके साथ रूपाली, नमस्कार।